रामायण में जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वे घायल होकर गिर पड़ा था। इस हालत में जब उसका पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की कुछ बातें बताई थीं। ये बातें आज भी हमें कई परेशानियों से बचा सकती हैं। यहाँ जानिए ये बातें कौन सी हैं। मरते समय बाली ने अंगद से कहा, एक देश काल और परिस्थितियों को समझो, इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। दो, किसके साथ कब कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। तीन, पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा, ये बातें ध्यान रखते हुए अब से सुग्रीव के साथ रहो। आज भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बुरे समय से बचा जा सकता है। अच्छे बुरे हालात में शांति और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। ये है बाली वध का प्रसंग। जब बाली श्री राम के बाण से घायल होकर गिर पड़ा तब बाली ने श्री राम से कहा, आप धर्म की रक्षा करते हैं तो मुझे इस प्रकार बाण क्यों मारा। इस प्रश्न के जवाब में श्री राम ने कहा, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री, ये सब समान होती हैं और जो व्यक्ति इन्हें बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर रखी और सुग्रीव को मारना चाहा, इस पाप के कारण तुझे बाण मारा है। इस जवाब से बाली संतुष्ट हो गया और श्री राम से अपने किए पापों की क्षमा याचना की। इसके बाद बाली ने अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया। इसके बाद बाली ने प्राण त्याग दिए। बाली की पत्नी तारा रोने लगी। तब श्री राम ने तारा को ज्ञान दिया कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है। बाली का शरीर तुम्हारे सामने सोया है लेकिन उसकी आत्मा अमर है तो रोना नहीं चाहिए। इस प्रकार समझाने के बाद तारा शांत हुई। श्री राम ने सुग्रीव को राज्य सौंप दिया।